सब आ गए, तालीम शुरू की जाए। जंगबाज माफी। सुल्तान, सुल्तान हम जानते हैं कि आप माफिया शाबाशी देने वालों में से नहीं, सजा देने वालों में से हैं। पर अगर आप सजा देना चाहते हैं तो आप हमें दीजिए। शिफान हमारे साथ था, बच्चों को नाश्ता देने में हमारी मदद कर रहा था। जाइए, आप दोनों को हमने माफ किया। लेकिन आइंदा से आप देर से नहीं आएंगे और आप आइंदा से बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। चलो जाओ, जाओ। न जाने हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि इस काम के लिए आप लड़कियों को शामिल नहीं होना चाहिए। कमजोर होती हैं। सुल्तान, सुल्तान ये लड़कियां किसी से कम नहीं है, आप इन्हें मौका देकर तो देखिए। हाँ, बस अब मौके देने का ही वक्त रह गया है हमारे पास। चुप रहिए आप। आप एक मौका तो लड़कों को भी दे रहे हैं ना, तो हमें भी दे दीजिए। गुस्ताखी माँ, लेकिन इतना वक्त तो आपको निकालना ही पड़ेगा। पुरानी यादें ताजा हो गई। पुरानी यादें? एक अरसा पहले बिल्कुल आप ही की तरह एक सुल्ताना हुआ करती थी। आप हमें उन्हीं की याद दिलाती हैं। बहुत हो गया, अब हम तुझे अपनी आवाम को और अपने अपनों को सताने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। कोई अदा, कोई अकड़, कोई जज्बा। जंगबाज जफर, मुझे लगा था आप सबसे काबिल लड़का या लड़की चुनने नहीं बल्कि सबसे काबिल शागिर्द चुनने आए, तो फिर ये फर्क क्यों? फर्क हटाकर देखिए, हम आपको हैरान कर देंगे। मंजूर है। आप सबके लिए तालीम आसान नहीं होगी। दर्द होगा, तकलीफ होगी, पर हमें उसी शख्स की तलाश है जो इस दर्द को पी जाए लेकिन हार नहीं माने, और जो हार मानेगा उसे हम सजा देंगे। 5 लम्हों में हमें सब बाहर चाहिए। आप सबको इस आतिश को पार करना है, समझे? बेहतरीन, बड़े ही फर्मा बरदार बच्चे हैं। आतिश कैसे पार करेंगे? अब सामने आएगी नाजुक शहजादे की असलियत। माफी जंगबाज, ये मुझसे नहीं होगा। होगा होगा, जश्न होगा, कोशिश करो ना, पीछे जाओ पीछे और तेज भाग कर आओ, उसके बाद कूदो, हो जाएगा। हाँ!
लौंडे का दिल साफ है। चलो सुल्तान, दोपहर हो गई है, सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। खाना खिलाने के लिए थोड़ी देर तालीम रोक देते हैं। आप ये हालत हो गई है इनकी, खत्म हो गई, उसके बाद खा लेंगे। अरे झुब्बा उठा के कूदो, जाओ झुब्बा कूदो। कमजोर कहीं थे सुल्तान, क्या हम पानी पी सकते हैं? इसलिए हम आपसे कह रहे थे लड़कियों को इसमें शामिल नहीं करते। और देख लीजिए क्या तैयार किया है आपने। इतने सालों से आप क्या कर क्या रही थी तालीम घर में? हमने सोचा था शेर पैदा करेंगी और ये खरगोश पैदा कर दिया आपने। अरे सुनो लड़कियों, यहाँ पे मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए मेहनत करो, कोशिश करो और फिर इनाम पाओ। पानी चलो दौड़ जाओ। अब तुम सबको रेंगते हुए जाना। हम कोहनी के सहारे ही इसे तेजी से पार कर पाएंगे। चलो जल्दी आओ। आप सबको इस जालीदार सीढ़ी पर चढ़ना है। अरे संभल के, डर लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, डर हमें भी लग रहा है, लेकिन मत रखो। लेकिन अगर मैं फिर से गिर गया तो? नहीं गिरोगे, और हम हैं ना तुम्हारे साथ, है ना? हाँ चलो ठीक है। मत रखो, ऊपर जाओ, नीचे मत देखना। ये तो ऊपर चढ़ गया, अब तुम्हारी बारी, चलो। मैं जानती हूँ कि ये कमीना ये सब कुछ उस काले चिराग के लिए कर रहा है, पर मैं चुप नहीं बैठ सकती। सफर तानाशाही पर उतर आया, मैं उसे कैसे रोकूं? चुलबुल बड़ी उस्ताद जी, आप फिर भूल गई, सवाल के बवाल से होगा मलाल, ढूंढो जवाब तो होगा कमाल। ये सब क्या है? बड़ी उस्ताद जी, काले सिराब का कई पुरानी किताबों में जिक्र है, और उसे रोकने का तरीका ढूंढने के लिए मैंने वो सब किताबें पढ़ डाली और मुझे तरीका मिल गया। सच? क्या? ना जफर तालीम रोकने को तैयार है, ना अलादीन रुकने को तैयार है, इसीलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। बिल्कुल, हम क्या करेंगे? बैठिए और देखिए। पर काला चिराग दुनिया की वो ताकत है जो गलत हाथों में पड़ के कायनात की तबाही की वजह बन सकती है। इसलिए एक खुफिया गिरोह काली ताकतों की दुनिया में हर लम्हा उसकी हिफाजत करता है। काला चिराग बुराई की निशानी है, तो नेकी और सच की पहचान है सुनहरा चिराग। ये तो शहजादे का चिराग है। वही तो बड़ी उस्ताद जी, उसके पास सुनहरा चिराग है, यानी उसमें कोई खास बात तो है। मुझे लगता है कि वही काले चिराग तक भी पहुंच सकता है, और अगर ये बात खुफिया गिरोह वालों को पता लग गई तो वो अपने चिराग की हिफाजत करने के लिए
उस सफर को जरूर रोकेंगे। हाँ चुलबुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खुफिया गिरो इस दुनिया का, उस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगी। हम जीत गए। मैं भी। अब तुम्हारी सजा है, पूरे तालीम घर का खाना अकेले बनाओगे, समझ गए? लो उठो, चलो दफा हो जाओ। अपने डर पर जीत हासिल करने का अच्छे सिपाही की पहचान होती है, और अपने शागिर्दों का हौसला बढ़ा के रखना एक अच्छे उस्ताद की। ये तो अच्छा सिपाही है, लेकिन आप अच्छे उस्ताद हैं या नहीं ये कहना मुमकिन नहीं। ये बहादुरी दिखाने के लिए सही वक्त और जगह का सही होना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे हमारे इलाके में खड़े होकर मुझसे बहादुरी दिखाना तो बड़ी बचकानी हरकत हो जाती है। ए लड़के, रोहान, उसका नाम रोहान है। बेहतरीन, आज इस 18 साल पुरानी शमशीर में एक मर्तबा फिर धार लग रही है, थोड़ा सा और धार लगवा दें इसे। रोहान, रोहान, अब हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि ऐसे इसके नाइंसाफी ना करें। बेहतरीन, मजा आ गया। आज तक हमारे बगदाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमसे इस कदर पेश आए, सोचा तक नहीं होगा किसी ने, क्योंकि किसी में दिलेरी ही नहीं थी। और कसम खा के कहते हैं कि हम दिलेरी और बहादुरी के कायल हैं। वही तुमने दिखाया, याद रहे आइंदा ऐसा नहीं करना वरना। शिफान, यास्मीन और तुम इस इम्तिहान में कामयाब रहे। जंग के मैदान में सबसे बड़ी कमजोरी होती है रहम, और अगला इम्तिहान तुम तीनों को यही सिखाएगा। तुम तीनों में से जो कोई भी हारा तो तालीम घर छोड़ के जाना होगा। अगर मैं हार गई तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा इस मिट्टी से क्या रिश्ता है। हमारा बड़ी उस्ताद से क्या रिश्ता है ये जाने बिना हम इस तालीम घर से नहीं जा सकते, हमें जीतना ही होगा। मैं इन दोनों को पीछे छोड़ के सुल्तान का यकीन जीत के रहूंगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं। जंगबाजी, अब जो भी होगा कल होगा, फिलहाल अभी बड़ी भूख लगी है तो कुछ खाना हो जाए। फौजी की जिंदगी में कल जैसी कोई चीज नहीं होती। बड़ा अजीब है आपका फौजी। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है इसी वक्त होता है, ये इम्तिहान भी अभी होगा। यार हो जी जंगबाज, जी जंगबाज, बेहतरीन।
आपको अपने हाथों में काबू कर लेने वाला ही सच्चा आतिशबाज होता है। और तुम तीनों को सच्चा आतिशबाज बनने के लिए अगली पहेली की आतिशबाजी की पहली कहानी तक पहुंचना होगा। मतलब भागो भागो। लेकिन कहाँ भागो? जहां भागे रफ्तार धीमी ना पड़े, पहली कहानी तक पहुंचो और आग को अपने काबू में कर लो। भागो, भागिए आगे, भागिए, भागिए अस्मिन, भाग। अरे हम भाग तो रहे हैं पर जाना कहाँ है? बड़ी उस्ताद होती तो किस तरफ जाती? दाएं तरफ। कौन बोला? जाने दो, कोई बुलाओ। इंसान की हर बात आदत टेढ़ी होती है। हाँ, दाई तरफ नहीं गए, मतलब बाई तरफ जाना होगा। अलादीन भी इसी तरफ आया। मुझे क्या, शिफान पता नहीं कहाँ रह गया। अब किधर जाऊं? ये कहाँ गया? निकम्मे शहजादे, शहजादे! रुखसार बेगम, आप? आप हमें जानते हैं? आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। हम चिराग की हिफाजत करने वाले खुफिया गिरोह से बात करना चाहते हैं। आपका कोई रहनुमा है? हमारे रहनुमा? बड़ी अजीब बात है, परसों बरस इसके शौहर ने चिराग की रखवाली की, आज वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आई है। शौहर? अब ये कौन सी जगह है?
सही खेल गए। कौन है? अब यहाँ हमारे जान पर बनाई है और आप हंस रहे हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। कौन है आप? हमें हसीनाओं की बाहों में घिरे रहने की काफी आदत है, आपके आंख के घेरे में नहीं। क्या बात है, हंस लिए हो, दिल बहल गया हो, तो फिर अपना दीदार करवा ही दीजिए अब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.